नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के ताजे मौसम समाचार में। मौसम को लेकर अभी अभी एक फिर बड़ी रिपोर्ट निकल कर आ रही कि यूपी वेदर फोरकास्ट उत्तर प्रदेश में सर्दी और बारिश को लेकर अब फिर जारी हुआ रेड, कहीं ऑरेंज अलर्ट। इन जिलों में अगले दो तीन दिनों तक कहर बरपाएगा मौसम। क्या है मौसम को लेकर ताजा अपडेट, वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। तो खबर को विस्तार से जानने के लिए बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हाल कपाने वाली ठंड पड़ रही है। सर्द हवाओं की वजह से यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है। लगातार गिरते तापमान की वजह से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अब फिर अगले दो दिनों तक भीषण सर्दी जारी रहेगी, क्योंकि लगातार कई जिलों में बारिश और कोहरे का असर देखने को मिलेगा। कई इलाकों में हल्की, कई इलाकों में मध्यम बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में घना कोहरा और सर्द हवाओं का प्रकोप लगातार जारी है। कोहरे की वजह से सुबह के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने अब फिर अगले 36 घंटे लगातार बारिश और सर्दी को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा कुछ इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। आने वाले दो तीन दिनों में रात के समय तापमान में और अधिक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस बीच अगर बात करें कि मौसम विभाग ने किन किन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, तो आपको बता दें मौसम विभाग ने सर्दी और बारिश को लेकर अगले 24 से 36 घंटे कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भीषण ठंड पड़ने वाली है, जिसकी वजह से एक बार फिर गलन भी बढ़ेगी। लखनऊ, मेरठ, शाहजहांपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, अमेठी, जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, बरेली, लखीमपुर खीरी में अगले दो दिनों तक कोल्ड डे की स्थिति रहने वाली है। इसके अलावा वैराज, गोंडा, संत कबीर नगर समेत अन्य इलाकों में कोहरे और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगर बात करें मौसम विभाग ने किन किन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, तो आपको बता दें मौसम विभाग ने आज मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, गोंडा, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी सहित अन्य इलाकों में घना कोहरा और हल्की बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन इलाकों में कोल्ड डे से अत्यधिक कोल्ड डे की स्थिति रहेगी। लखनऊ में आज अधिकतम तापमान आपको बता दें 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने की संभावना है। वहीं घने कोहरे की वजह से सड़क पर यातायात धीमा पड़ गया है, तो वहीं हवाई यातायात भी प्रभावित हुआ है। ट्रेन और फ्लाइट अपने समय से देरी से चल रही है। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि पूरे भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्य शीतलहर की चपेट में भी हैं। कहीं गलन तो कहीं कोहरे ने लोगों को परेशान कर दिया है। ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा लेना पड़ रहा है। दिल्ली NCR में कड़ाके की ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली NCR में आज सुबह से ही बर्फीली हवाएं चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अब एक बार फिर बारिश के बाद शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही मौसम से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल ILHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें।